मैं लास्ट बारी उन्होंने फिर वार्निंग करना चिट्टे दे सदागर कि अगर वह बंदे बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें जुटी फेर के बंदे बनावांगे। साडा पिंड जिहड़ा वह चिट्टे तो किन्ना कु बदनाम हो चुके है, लोग अमृतसर तक कलानौर तक भोए तक पठानकोट तक इतों चिट्टा लैन आ रहे हैं। क्यों लैन आ रहे हैं? इतों आसानी ना मिल जाता, एक पांच साल के दस साल के बच्चे भी भेज दोगे उन्होंने भी मिल जाना। उन्होंने कई लोग फोन करके थ्रैट भी किया जा रहा है कि तू पिछे हट जा, तेनों नहीं ऐदा कर देंगे। साढ़े कई वर्करों फोन भी आए है, पर डरन की कोई लड़ नहीं। जिते थोड़ी कोई वाल तकेगा ना, मैं अपना सिर लवाना तो वह ला देंगा। नहीं समझेगी कि हाथी जिम्मेवारी है, वो तो क्या नहीं कभी भी कामयाब नहीं होनी। अज तो दो ढाई साल पहले की गल है, मेरा ही भतीजा सौरव कुमार इस दलदल के फस चुका है, फसन के बावजूद एक साल के मृत्यु हो गई। दो बंदे फड़े है, उन्होंने पूछा कि चिट्टे का की बनया, कहता सानू वांगे चिट्टा नहीं मिलिया। एक कितनी खुशी वाली गल है। सारे मेरे नौजवान वीरां ते जिन्ने भी साडे सीनियर इत्थे पहुंचे सारयां नूं नमस्कार। सो जिवें तुसीं चंगी तरह जानो ही हो कि चिट्टा विरोधी मंच के पिंड अवंखा दे विच्चों असीं चिट्टे नूं खत्म करना। सो सब तो पहला तो तुसी सारे बड़े बधाई दे पात्र हो कि तुसी सारे इस काम दे विच सहयोग कर रहे हो, और ये बहुत वधिया गल है क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिंड दे विच पहली बारी कोई इहो जिहा काम होया और जिहदे विच सारा पिंड इकट्ठे होकर सहयोग कर रहा। सो असीं सारे ही पार्टीबाजी तो उठ के जात धर्म तो उठ के सारे ही इस काम दे विच तन मन धन दे नाल तुरे आ। सो जिहड़ा काम निष्ठा दे नाल कीता जांदा फिर परमात्मा उहनूं भाग भी लाउंदा। सो साडी आस भी इहो ही है कि साडा पिंड जल्दी ही ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। पर गल हिम्मत की है कि कोई हिम्मत नहीं सी करता कि यार अंदर दुश्मनी की पाईए। सो इस करके एक किसे नाल साडी परसनली दुश्मनी नहीं, असीं पहला भी इस मंच तो यह ऐलान कर चुके हैं कि साडी जिहड़ी दुश्मनी सिर्फ चिट्टे नाल है। सो चिट्टे दे काम दे विच जिहड़ा भी कोई सहयोग करेगा वह साडा दुश्मन है। सो इस करके मीटिंग नूं अगे वधाउंदे होए सब तो पहला मैं पवन कपूला जी उन्हां नूं बेनती करांगा कि ओह भी दो मिनट आ के अपने विचार सारे वीरां दे नाल जरूर सांझे करन। पवन कपूला जी, बहुत ही सत्कारयोग पिंड वासीओ, मेरे दोस्तों, बजुर्गो, इत्थे आण ते सब तो पहला तो मैं जी आयां नूं कहना, नाल दी नाल इह गल तुहाडे अगे रखना कि अज आपां एक प्रण करना कि साडे भरा साडे दोस्त कई तरह के साडे रिश्तेदारां दे विच वी इस चिट्टे
फस चुके हैं। यह चिट्टे का नशा जिहड़ा है सानू अंदरों अंदरों खोखला कर जा रहा है। सो दोस्तों एक यह गल सोच लो कि इस चिट्टे की बदौलत साढ़े परिवार जिहड़े है परिवार के परिवार नाश हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है वह दलदल दे विच धस रही है। असी सारे ने मिलके यह सोचना है कि इस दलदल दे विच उन्हां नूं किस तरह कढ़ना है। अज तो मैं अज निजी गल करांगा, अज तो दो ढाई साल पहले की गल है। मेरा ही भतीजा सौरव कुमार इस दलदल दे विच फस चुका सीगा, फसण दे बावजूद एक साल दे विच उहदी मृत्यु हो गई। मां प्यो नूं बहुत धक्का लगा, सानू बहुत धक्का लगा, पर उस वेले सोचिया भी कोई ना कोई इस नशे नूं कोई खत्म करेगा जिस नाल साडा परिवार जिहड़ा साडा पिंड अगाह वधेगा, पर इहो जिहा कोई भी बंदा कोई भी शख्स नहीं आया। सो दोस्तो अज जिस तरीके नाल असीं सारे इस मुहिम विच चल पए आ जां इस नशे विच फसे आ उहनूं एकमुठ हो के चलीए तां इस नशे नूं आपां खत्म कर सकदे आ। प्रदीप जी ने बहुत वधिया कदम चुकिया, सानू सारयां नूं एकमुठ हो के उहनां नाल चलना चाहीदा आ। इह नहीं सोचना भी आपां किस बरादरी दे आ किस धर्म दे आ जां किस पार्टी नाल संबंध रखदे पए आ। जदों साडे पिंड दी गल आ जांदी आ साडे अपने परिवार दी गल आ जांदी आ, इत्थे मेरे नाल दे काफी दोस्त इत्थे बैठे आ, काफी माता पिता इत्थे बैठे आ जिन्हां दे बच्चे इस नशे विच फस चुके आ, पर शर्म दे मारे उह किसे नाल गल नहीं करदे। सो दोस्तो इह शर्म नूं कढ के ना आपां इक दूजे नाल अपना दुख सांझा करदे आ। सांझे करन दे नाल नाल जदों आपां किसे नूं गल दसांगे ना तां सानूं कोई ना कोई रस्ता लभेगा। जिन्नी देर तक आपां किसे नाल कोई गल ना करांगे सानू किसी प्रकार का भी कोई रस्ता नहीं लगेगा। सो दोस्तों मिलके चलो, प्रदीप जी का साथ दवो, असी सारे नाल आ। अं मैं पहले गल करती है किसी भी पार्टी के आगे आ, पर इस पिंड वास्ते असी सारे एक आ क्योंकि साडा परिवार जिहड़ा है सारा एक है। जदों भी आपां जाने जावांगे अपने पिंड दे नाल दे नाल जाना जावांगे। सो दोस्तो पिंड नाल चलो, तिन्ना चल के एक मुठ हो गए चलांगे ना। कहिंदे इकला इकला ते जदों इकट्ठी हो जांदे एक मुठ हो जांदे आ। सो आपां मुठ हो गए चलना आ, सारिआं दा साथ देना आ ते इस कोहर नूं खतम करना आ। धन्नवाद, मेहरबानी। सो इस दौरान ही मैं श्री विक्रम सिंह जी वल्लों प्रधान जी उहनां नूं बेनती करांगा कि अभी दो मिनट आ के अपने विचार जो सांझे करन। मैं देखो गल करांगा जी, जिहड़े भी बंदे नशा करदे ने चाहे वह वेचते हैं उन्होंने वो छड़ देना चाहिए। अगर ना छड़नगे तो उन्होंने हाल जरा बहुत बुरा होएगा। इतने किसी भी बंदे ने जिन्हें भी मुड़े सारे काम करते हैं अगर किसी मुड़े दे भी गाण के कोई नशे वाला बेचने वाला कोई वधीकी करता उत्थे एक टाइम के उत्ते सारे बंद पुज के तो बंदे की मदद करनी चाहिए है। एक मैं गल होर रखना चाहता भी सानू आने वाले ऐतवार इदा ही सारा हजूम लिया गया एक बारी अपने पिंड दे विच सारे जो घूमना चाहिए ते और सारयां नूं वार्निंग देनी चाहिए कि जिन्हां जिन्हां बच्चे ने नशे करदे ने उन्हां नूं कह के ते अपने बच्चों के नशे छड़ाण ते इह सारयां दे सारे सारे इहनां दा साथ देण जिहड़े इस काम च बड़े ने। धन्नवाद जी। सो इहदे नाल ही साडे मैंबर पंचायत श्री सुखविंदर जी मैं बेनती करांगा कि उह भी दो मिनट लई आ गए अपने विचार जिहड़े उह सारे वीरां दे नाल सांझे करन। सुखविंदर जी हांजी चिट्टे जी अं बहुत ज्यादा खिलाफ है, बहुत बहुत ठाकुर साहब की बहुत मेहरबानी है जो पंथ ना हो करा डे अं घर घर उन्होंने जान डे भी तो घर बार भी टुटे गए बाद च तुम जो सुख शांति अपने घर च रह सकते तो चिट्टा बंद कर दो जी। बहुत बहुत मेहरबानी। चाहे नाल ही मेरे वीर मैंबर पंचायत दीपक हरचंद जी रोजी भाजी उन्होंने बेनती करांगा क्योंकि दो मिनट आके अपने विचार जो जरूर साझे कर। सारे मेरे वीर भरावों मेरा नमस्कार। अज बड़ी खुशी वाली वाला दिन है कि अभी भैन भरा सारे कट्ठे हो गए एक मंच से बैठे हुए हैं। अज इन्ना तो वधिया लग्या कि दो बंदे फड़े है उन्होंने पुछया कि चिट्टे का की बनया, कहिंदा सानू वांखे चिट्टा नहीं मिलिया। ये कि खुशी वाली गल है कि अज अभी भैन भरा कट्ठे हैं कहीं चिट्टा मिलिया। बस मेरा वीर यही है कि जिदा ही चले करने अगे बद चढ़ के फिर इदा ही चढ़ के काम करिए चिट्टे नूं जिहड़ा माड़ा मोटा रह गया ना वह भी खत्म करिए। जय हिंद। सर नाल ही मैंबर पंचायत मदन गोपाल जी मैं उन्होंने भी बेनती करांगा जो भी दो मिनट आके अपने विचार जो साझे कर। सारे वीरां दा आयावां दा धन्नवाद, बजुर्गों का धन्नवाद। बड़ी वधिया मुहिम शुरू की प्रदीप ठाकर जी ने
जिहड़े चिट्टे दे खिलाफ इन्हां ने एक वधिया मुहिम चलाई हुई है ते इसदा सारे पिंड नूं ही शुक्रगुजार होना चाहिदा कि कोई मुहिम चलाण वाला बंदा पिंड विचों होया। ते सारे वीरां नूं इहो ही बेनती है कि सारे ही चिट्टे दे प्रति सचग रहन, साडे बच्चे भी चिट्टे दे प्रति सचग रहन। इत्थे जिन्ने भी वीर भरा छोटे बच्चे बैठे आ उन्हां नूं भी चाहिदा कि जरा भी चिट्टा साडे पिंड खरीदण आंदा जां साडा कोई भैण भरा खरीदण जांदा ते ओह उहनूं फड़ाउण विच अपना अहम योगदान देण। जे चिट्टा पीण वाले असीं फड़ी जावांगे ना ते चिट्टा बेचण वाले अपने आप ही खत्म हो जाणे, कोई भी पिंड वल मूंह नहीं करेगा। इस दे नाल ही मैं अपना समाप्त करदा, धन्नवाद। इहदे नाल ही मैं बेनती करांगा मेरा वीर अरुण खजूरिया जी ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗੋਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੋਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗਟਿਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਝਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੁੱਝੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਜੀ ਵਾਲੀ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਦਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਣੇ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਕਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਏਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਹੈ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਂਖੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਸਮ ਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਵੀਰ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਅਵੰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
नशा छड़ो कोर छड़ो की मुहिम चल रही है। मेरी सारे वीर भरावां नूं इहो ही बेनती है कि एक मुहिम दे विच कट्ठे हो गए इहदा साथ दिओ ताकि जो नशा रूपी कोर है इस तों छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इस नशे ने किल्यां दे किले घरां दे घर सब कुछ बर्बाद करता है। जेकर असी अपनी मुहिम नाल कुछ परिवारां नूं बचा सकीए ते साडी बहुत वड्डी जित होएगी। इस करके मैं सारयां नूं इहो अपील करना कि वध तों वध अपनी जिहड़ी जंग ब्रिगेड हैगी है, जिहड़े बच्चे हैगे आ उहनां नूं उहदा मार्गदर्शन किया जाए, उहनां नूं नशे ना करन दे प्रति प्रेरित किया जाए। तो साडी जिहड़ी टीम है बजरंग यूथ क्लब अवंखा, वह इसे करके ही हुण हर महीने के लास्ट एतवार महाराणा प्रताप ग्राउंड च बच्चों का कंपीटिशन कराया करेगी। अपने तुसी सारे ने बच्चे लैके आना उत्थे, दौड़ां दा ते बाकी गेमां दा छोटा छोटा प्रोग्राम कराया जाएगा ताकि बच्चे नशियां नूं छड्ड के गेमां वाले पासे आ सकन। जय हिंद। शमशेर सिंह जी वह भी एक मिनट लिया के अपने विचार जो सारे भरावां दे नाल साझे करन। शमशेर सिंह जी ਇਹ ਪਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਆਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜੁੜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਫੰਡਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤਲਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੰਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾਂਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਗੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰਾ ਕੱਟੀਦਾ ਸਗੂੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨਿਓ ਆ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਕੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਵੀ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਆਓ ਇਹਦੇ ਮਹੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੀਰਜ ਸਲਾਰੀਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਮਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ,
सारे भरावां दे नाल सांझे करन ठाकर प्रदीप जी। हेलो, मेरा सारे आए हुए बजुर्गों का, नौजवानों का, जिहड़े इत्थे नहीं भी पहुंचे उन्हां दा भी मैं धन्नवाद करदा कि तुसीं आ जिहड़ी साडे मंच वालों छेड़ी गई मुहिम है, चिट्टा विरोधी मंच वालों छेड़ी गई मुहिम दे विच तुसीं सानूं इन्नी उम्मीद नहीं कि सानूं इन्ना हुंगारा मिलेगा जिन्ना हुंगारा तुसीं सानूं दित्ता हैगा। तुसीं अगर इदां ही सहयोग करदे रहोगे मैं मैनूं आस हैगी है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐड़ा चिट्टे का बूटा हैगा जिहदियां जड़ां बड़ियां डूंघियां हो गईआं सी, असीं सोचदे सी कि आह पटो ही नहीं सकदियां। असीं जदों शुरू कीता हैगा इह काम ते आम लोकां दी राय हैगी सी कि छड्डो परा तुसीं की लैणा यार, तुहाडे कड़े न्याणे चिट्टा पींदे हैगे आ, तुसीं इहदे विच्चों की लैणा हैगा। पर अज नहीं साडे पींदे, कल नूं साडे बच्चिआं दे बच्चे वी इत्थे फिरने आ, उह लग जाणगे जां जिन्हां ते लगे हैगे आ उहनां नूं पुछो वी उहनां परिवारां दे उत्ते की बीत रही हैगी आ। मेरी पहले भी मैं अपील कीती हैगी आ इस मंच दे विच जिन्ने वी वट्सएप दे विच साडे जुड़े हैगे आ वीर, उहनां नूं मैं अपील करना भी कोई भी अननसैसरी मैसेज जिहड़ा हैगा जां वॉइस मैसेज इस ग्रुप दे विच ना पाया जाए, सिर्फ ते सिर्फ चिट्टे प्रति ही बोलिया जाए। किसी पोलिटिकल पार्टी बारे, किसी जात धर्म बारे, किसी विशेष समुदाय बारे, क्योंकि कौमां जुर्म नहीं करदियां, बंदा जुर्म करता। जिहड़ियां कौमां दे नां हैगे ने जिहड़ियां कौमां जुर्म करदियां उन्हां कौमां दे विच भी बहुत चंगे शख्स हैगे आ। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है दोबारा इस संबंधी जिहड़ा हैगा ना वह थोड़ा सुचेत रहा जाए। बाकी मैं एक होर गल करांगा, अगर यह चिट्टा जिहड़ा जिहनूं असीं कहिंदे आ कि बड़ा वड्डा बोर्ड का दरख्त बन गया था खास कर साढ़े पिंड दे विच जां जिले च जां पंजाब दे विच, अगर सारे ही अद्धा रल मिल के हमला मारनगे यह कोई बूटा पुटना औखा नहीं हैगा। पर मैं सारना ज्यादा अपील करांगा जिन्हां दे बच्चे इस काम दे विच अडिक्ट हैगे ने, अगर वह अपने बच्चों समझा के उन्होंने नशा छुड़ाना चाहते ने तो असीं उन्होंने बच्चों नूं अपने खर्चे के उत्ते नशा छुड़ाऊ केंद्रां दे विच भर्ती करवावांगे, बनती उन्हों की जिनी भी हैगी मदद करांगे। बाकी मेरी सारे नालों वड्डी अपील है कि जिन्हें भी अपने वर्कर चले हैगे आ उन्होंने कई लोग फोन करके थ्रैट भी किया जा रहा है कि तू पिछे हट जा तैनूं नहीं तो इदां कर देंगे, साढ़े कई वर्करां नूं फोन भी आए हैगे ने। पर डरन की कोई लोड़ नहीं, जिथे तुहाडी कोई वाल तकेगा ना मैं अपना सिर लवांगा तो उहदा ला देंगा, है ना। ऐसी वाले डरन की लोड़ बिल्कुल नहीं हैगी। सारे नालों वड्डी गल हैगी है कुछ चंद गंदे शख्स, मैं उहदा नां ही ला दिंदा, एक अश्नी कुमार साडे दीनानगर तो साहब का एमसी हैगा जी, उस बंदे ने एक वीडियो लाइव की हैगी है उहदे विच उहने कहा हैगा पिंड दे विच जिन्ना चिट्टा वेख रहा है जां पी रहे हैगे आ उह सारे दे सारे आम आदमी पार्टी नाल संबंधित लोग ने। मैनूं मैं उहनां नूं खुल्ला चैलेंज करना इस मंच तों कि तूं एक भी आम आदमी पार्टी दा, आम आदमी पार्टी का छड होर भी जिन्नी पोलिटिकल पार्टियां हैगियां किसी भी एक बंदे दे आके भी तू उंगल रख के दस दे कि आह बंदा जिहड़ा हैगा वह चिट्टा वेच रहा जां चिट्टा चिट्टे का व्यापार कर रहा है, असीं तेरी गल नूं सच मान लांगे। नहीं हैगा तो तैनूं सर्वजनक तौर पर माफी मंगनी चाहीदी है। शर्म करो इस चीज की उत्ती कि किसी पोलिटिकल पार्टी नूं जां किसी धर्म नूं जाति नूं विशेष नूं टारगेट ना करो, तू ही अपने आप अंदर अपनी झांकी मारो कि तुहाडियां सरकारां रहियां हैगियां। जां मैं अश्नी प्रधान नूं पुछणा वी आई इन्ने दिनां दे विच इन्ने बंदे फड़ के पुलिस दे हवाले कीते हैगे आ, तू अपनी पूरी जिंदगी दस दे, 15 साल 20 साल तुसीं एमसी बना तेरे घर दे विच रहा, हुण तौरी और तां जिहड़ी ओ एमसी आ तू एक बंदा भी चिट्टे वाला फड़ के पुलिस दे हवाले कीता होए ते तां दस दे, ठीक है ना। मैं इहो जिहे गंदे शख्सां नूं वार्निंग दिंदा वी आ जिहड़े इदां दे बयान देण दे हैगे आ उस तों टल जाओ, साढ़े नाल आके जुड़ो, साडा सहयोग करो, ठीक है ना। बोए मेन गल देखो साडा पिंड आ जिहड़ा उह चिट्टे तों किन्ना कु बदनाम हो चुक्या जी, लोकी अमृतसर तक, कलानौर तक, भोए तक, पठानकोट तक इत्थों चिट्टा लैण आ रहे आ। क्यों लैण आ रहे आ? इत्थों आसानी नाल मिल जांदा, एक 5 साल दे 10 साल दे बच्चे नूं भी भेज दोगे उहनां नूं भी मिल जाणा हैगा, तां ही आ रहे आ ना इत्थे। असीं जिन्ने बंदे फड़े हैगे आ कल असीं 13-12 जने जिहड़े हैगे आ फड़ के पुलिस दे हवाले कीते आ जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣ ਡਿਆਗਾ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਆ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ ਆ
कि भा बंदे बन जाओ यह काम ना करो, यह काम ना करो, मौत के सौदागर ना बनो, मौतां ना वंडो। पर वह इस गल तो टले नहीं है। पुलिस साडा सहयोग कर रही हैगी है, साडे पिंड दे विच पक्कियां टीमां जिहड़ियां हैगियां उह एस एस पी साहब वालों लगा दित्तियां गईयां हैगियां। 12 मुलाजम पुलिस मुलाजम विद्यक उहनां दा इंचार्ज वह सवेरे 8 बजे तो लैके 8 बजे तक ड्यूटी करनगे। दूसरी शिफ्ट फिर इस तरह ही 8 बजे तो लैके 8 बजे तक शिफ्ट करनगे। साडे साथियों नूं इह अपील हैगी है कि उहनां नूं चिट्टे दे सौदागरां दी इन्नी पहचान नहीं हैगी, उहनां नूं अही दसणा हैगा वी आह चिट्टे दा सौदागर हैगा, फड़ना आउणा नहीं हैगा। मैं लास्ट वारी उन्होंने फिर वार्निंग करना चिट्टे दे सौदागरां नूं कि अगर वह बंदे बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें जुत्ती फेर के बंदे बनावांगे। हद हो चुकी हैगी है, इस चीज की हद हो चुकी हैगी है। और एक गल की मैनूं इन्नी गल की खुशी भी हैगी है कि अज जां कल इस पिंड दे विच एक रुपए का जिहड़ा हैगा वह ना चिट्टा खरीदया गया तो ना वेचा गया है, वह तुहाडे मंचे करके ही है। ऐसा ही गल पा के रखांगे तो साडा पिंड, मैं ज्यादा टाइम नहीं कहिंदा, वध तो वध 15 दिन दिओ, 15 दिन दे विच चिट्टे तों मुक्त हो जाएगा। जिहड़े लोकी इस पिंड की बदनामी करदे हैगे आ उह पूरे पंजाब लैवल दे इस पिंड की प्रशंसा करनगे। तुहाडा आए सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्नवाद जी। असि तो वैसे इस गल तो बहुत गुरेज करने कि असि इस मंच तो किसी की भी बुराई ना करिए, पर इस गल का दुख भी हुंदा है कि जे कोई चंगे काम की निंदा करे तो फिर उस गल का दुख भी लगता है, उस गल का दिल भी दुखद। सो जिन्हें भी शरारती अंसर ने जेडे किसी भी पार्टी के खिलाफ या इस मंच के खिलाफ जेडे गलत गल करते हैं, उन्होंने फिर हदायत यह है कि जा तो साडा सहयोग करो, जे सहयोग नहीं कर सकते तो घट्टो घट अपने घर बैठे जरूर रहो। सो सानू जरा काम जरूर कर दो। सो एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। और जेडे नवे वीर इत्थे पहुंचे ने और वट्सएप ग्रुप के नाल जुड़ना चाहते हैं, सो वह इत्थे जरूर सानू मिल के जाण, अपना नाम और मोबाइल नंबर अपना लिखवा के जाण, जिहड़े ग्रुप नाल जुड़न दे चाहवान ने, जिहड़े इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो एक बार फिर जिन्हें भी नौजवान वीर जिन्हें भी मोहतवार सज्जन इत्थे पहुंचे ने सारिआं दा धन्नवाद। सो एक नारे नाल समाप्ति करांगे, चिट्टा विरोधी मंच जिंदाबाद, चिट्टा विरोधी मंच जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।